हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो कौन सा छोटा सा स्टॉक है जिसने कमाल कर दिखाया है शेयर मार्केट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो स्टॉक आपके सामने है दोस्तों, MMTC। ये स्टॉक यहाँ पर देख लीजिए, आज के डेट में 11% का अपर सर्किट मारा है। हालांकि दोस्तों ये 14 या 15% तक अपर सर्किट मारा था, क्योंकि इसने जो हाईएस्ट बनाया था 22.50, ठीक है, तो अभी जो है 21.70 है, तो अराउंड दोस्तों 11% अभी दिखा रहा है आपको, तो 14% तक तो ये ऊपर गया था, ठीक है। और दोस्तों इसने जो है हाई मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया आज के डेट में। अगर ग्रोथ और जंप के मामले में देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 19 रुपीज़ का स्टॉक था, 19 रुपीज़ जो है यहाँ पर लोएस्ट मारा था, उसके बाद धड़ाक से यहाँ पर देखिए 22.50, मतलब कि दोस्तों 23 पॉइंट को ये टच करने वाला था। हालांकि दोस्तों 22.50 से ये जो है रिटर्न आ चुका है, लेकिन दोस्तों बहुत गजब की रिटर्न दिया है आपके सामने, अगर आपने यहाँ देख सकते हो तो दोस्तों 11% का तो अभी दिखाया जा रहा है। और कुछ लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि हाई में ओपन हुआ था, तो यहाँ पर देख लीजिए, मानता हूँ थोड़ा बहुत हाई में तो ओपन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 20 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन अभी 22 भी तो है कि नहीं, 22 रुपीज़ के आसपास है, और यहाँ पर देख सकते हो 22 भी तो है, तो सोचिए इसमें आपको जो है अराउंड 8 या 10% का तो प्रॉफिट मिल ही गया है कि नहीं, 8 या 10% का तो प्रॉफिट आपको मिल चुका है। अब सपोज मान लीजिए, अगर आपको क्या पहले पता होता तो क्या आप वो स्टॉक नहीं खरीदते? जरूर खरीदते, और आपको आज के डेट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता। तो मैंने दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में पहले बताया था, अब आपको देखना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, आपको अपने यूट्यूब चैनल में जाना है। यहाँ यूट्यूब चैनल के जाने के बाद ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में आपको सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। देखिए मैं डेली सर्च मारता हूँ, इसलिए यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही आप सर्च मारिएगा, आपके सामने यहाँ पर देखिए वीडियोस करके आ जाएगा, गोल करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है आइकॉन पे, और आपके सामने टोटल वीडियोस आ जाएगा। देखिए ये जो वीडियोस है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, बस आपके सामने सब कुछ बताना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए 1 आवर अगो मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, 2 घंटे पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, 9 घंटे पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, सब आपके सामने बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने साफ साफ बताया था दोस्तों, MMTC लिमिटेड लेटेस्ट गुड न्यूज़। अब देखिए मैं आपके सामने वीडियो को प्ले करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, वीडियो का क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, और आपको डेट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, देखिए डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेट से आप खुद जो है एस्टिमेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं क्या गलत है और क्या सही है। तो डेट देख लीजिए दोस्तों, 12 फरवरी है, ठीक है, 12 फरवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड मारा था। अब आपके सामने जो है प्ले करता हूँ। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। बड़े वाले स्टॉक तो हम ऐसे भी नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने साफ साफ बोला कि मैंने बोला आज मैं ये स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। बड़े वाले स्टॉक तो हम ऐसे भी खरीद लेते, तो आज जो था छोटे वाले स्टॉक था। होने वाला है जिससे आप अपना प्रॉफिट, प्राइस इंक्रीज होने वाला है, दम भर खरीदिएगा। छोटा सा ही स्टॉक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये रहा वो स्टॉक जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, MMTC। देखिए इसका जो प्राइस है इंक्रीज होने वाला है, दम भर खरीदेगा। छोटा सा ही स्टॉक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा स्टॉक है, दम भर खरीदेगा, प्राइस इंक्रीज होने वाला तो है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटा सा ही स्टॉक है, बड़े बड़े स्टॉक तो हम लोग खरीद ही लेते हैं, चलो भाई ठीक है, लेकिन ये छोटा सा ही स्टॉक है, आपको दम भर खरीदना है, इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो विल बी होगा, और हिंदी में बोला जाए तो होने वाला है। तो यही होता है दोस्तों, एक था कि होने वाला था, हो चुका है, उसका बात अलग है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी वीडियो में सब कुछ वही बताता हूँ जो आने वाले दिनों में कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए शेयर का प्राइस भी कम है जब मैंने बताया था, और देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर टाइम भी है, 1 मिनट दोस्तों मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, वीडियो के अंदर भी यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 8:55 को, मतलब कि दोस्तों मार्केट ओपन होने से जल्दी जल्दी मैं जो है वीडियो अपलोड कर रहा था आपके सामने, और डेट रहा आपके सामने ये देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो में तो दोस्तों मैंने साफ साफ बोला कि आपको ये स्टॉक खरीदना है दम भर, क्योंकि दोस्तों प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो ये रहा वो स्टॉक जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, MMTC। देखिए इसका जो प्राइस है इंक्रीज होने वाला है, दम भर खरीदेगा। छोटा स्टॉक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा स्टॉक है, दम भर खरीदेगा, प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसका जो प्राइस इंक्रीज होने वाला था, यहाँ पर देख लीजिए तो मैं, बस जो इतना काफ़ी है बोलने के लिए दोस्तों, एक बार बोलने से तो सबको समझ में आ जाता है, बार बार बोलने से, रिपीट करने से अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो दोस्तों ये 19 रुपीज़ का स्टॉक था, 19.50 मान लेते हैं दोस्तों कि 20 रुपीज़ का ही स्टॉक है।
और ये रहा आपके सामने जो अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस अगर देखे अप्रॉक्सीमेटली तो दोस्तों 22 रुपीज़ है, ठीक है। मैंने 20 में बोला था 22 रुपीज़, ठीक है। अगर देखे 10 रुपीज़ में 1 रुपीज़ इंक्रीज होता है तो कितना होता है 10%, 10% होता है। अगर 20 रुपीज़ में अगर 2 रुपीज़ इंक्रीज होगा तो कितना होगा 20%, 20% हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 10% होगा, ठीक है। अगर 20 रुपीज़ में 2 रुपीज़ इंक्रीज होगा तो 10% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है 10% आपके सामने मिला है। तो ये होता है दोस्तों एक दिन पहले बताना। और एक एग्जाम्पल मैं आपको सही से दिखाता हूँ, ये वीडियो तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये वीडियो के जस्ट देखिए उसके पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, TRF लिमिटेड, ठीक है। अब नहीं खरीदा तो बड़ा पछताओगे। यहाँ पर देखिए 10 घंटे पहले, मतलब दोनों में 1 घंटे का फर्क ही था, ठीक है। और ये देखिए TRF का अभी जो हालचाल है, TRF में भी यहाँ पर देखिए अराउंड 4% का अपर सर्किट, यहाँ पर देखिए 3.98, मतलब कि 4% का अपर सर्किट लगा हुआ है। और ये बहुत लंबा टाइम नहीं लगा दोस्तों, बस देखिए 9-10 घंटे के पहले का ये बात है, 9 और 10 आवर्स पहले का बात है, और सुबह में ये वीडियो अपलोड किया गया था। और कुछ ऐसे भी स्टॉक रहते हैं दोस्तों जिनको मैंने आज बोला कि खरीद लो भाई, लेकिन वो क्या रहता है कि गिर जाता है कुछ मान लीजिए, या 2-4 दिन या 10 दिन तक उस स्टॉक का प्राइस गिरते रहता है, गिरते रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नहीं यार ये यूट्यूब चैनल फ्रॉड है, ये गलत है, ये वो है, हम जज करना स्टार्ट कर देते हैं। जज मतलब खुद तो कुछ करते नहीं है, ऊपर से दूसरों को भी मतलब गलत ठहराना स्टार्ट कर देते, ठीक है। अब देखिए इसमें गलत और सही क्या है, ये आपको देख के पता चलेगा, ठीक है। आपको पूरा थंबनेल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों UPL लिमिटेड गिरावट, देख सकते हैं नीचे पे लिखा हुआ टाइटल, ठीक है। यहां देख सकते हैं यूपीएल लिमिटेड भारी गिरावट पर बेचना मत, क्या लिखा है यहां पर देखिए दोस्तों, गिरावट पर बेचना मत, ठीक है। यहां पर भी लिखा हुआ है दोस्तों पर बेचना मत, ठीक है। हाई टारगेट लेवल, ठीक है, हाई टारगेट लेवल है। मैंने साफ साफ लिखा दोस्तों यूपीएल जो लिमिटेड है गिरावट हो रहा है लेकिन बेचना मत, ठीक है। और ऊपर से इसका जो टारगेट है वो हाई है। ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया था, सबसे पहले तो मैं आपको डेट दिखा देता हूं दोस्तों, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी में मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, 23 जनवरी को वीडियो अपलोड किया था, आपके सामने है, यहां पर देख लीजिए 23 जनवरी को यह वीडियो अपलोड किया था। अभी मैं आपको आपके सामने जो है वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। मैंने साफ साफ बोला था अगर स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है टेंशन नहीं लेना, बेचेगा मत। अगर आपने हाई प्राइस में भी खरीदा है चाहे जो भी हो यार, बेचना नहीं है, बात बात खत्म हो जाएगी। देख लो वीडियो आपके सामने प्ले करता हूं प्रूफ के तौर पे। आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यूपीएल का प्राइस कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गिर रहा है, अब तो इतना ज्यादा गिर चुका है दोस्तों कि लोग जो है अपना स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भी यूपीएल को सेल नहीं करना है। हालांकि अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 540 के आसपास चल रहा है, तो दोस्तों मैं बोलूंगा आप यूपीएल को सेल मत कीजिएगा। अगर आपने इधर 570 या तो आपने सुना दोस्तों, मैंने 2 बार बोला कि यूपीएल को सेल नहीं करना है, यूपीएल को सेल नहीं करना है। 580 के आसपास, मतलब कि इतना भी अगर हायर में आपने खरीदा, बहुत लोग ऐसे हैं जो 590 के आसपास खरीदे, तो मैं बोलूंगा दोस्तों होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए दोस्तों, आपको पैसा जरूर मिलेगा अगर आप अभी सेल कर देंगे। और जैसे ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा तो आपको पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको सेल नहीं करना है। वाह वाह दोस्तों समझ में आ गया। देखो और एक बार वीडियो प्ले कर देता हूँ। मैंने साफ साफ बोला अगर आपने हाईएस्ट प्राइस पे भी खरीदा, अभी तो दोस्तों 540 चल रहा है, अगर आपने 580 या 590 में भी खरीदा ना, तो टेंशन मत लो, आपका पैसा मिल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा दोस्तों, इतना अच्छा। आप साफ साफ मैंने आपको बोला, एक बार और मैं प्रूफ के तौर पे वीडियो प्ले कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। 20 या 580 के आसपास, मतलब कि इतना भी अगर हायर में आपने खरीदा, बहुत लोग ऐसे हैं जो 590 के आसपास खरीदे, तो मैं बोलूंगा दोस्तों होल्ड कीजिए, 590 के आसपास स्टॉक चल रहा 40 में, मैंने 90 बोल दिया दोस्तों, ठीक है देख लीजिए। सके दोस्तों आपको पैसा जरूर मिलेगा अगर आप अभी सेल कर देंगे, और जैसे ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा तो आपको पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको नहीं करना है, आप अपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हो लेकिन आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक चीज मैं आपको बता देता बस हूं, बस दोस्तों हो गया दोस्तों, इसका जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा था जब मैंने बताया था तो 540 चल रहा था दोस्तों, ठीक है। 540 में मैंने बोला था कि सेल मत कीजिएगा, और डेट भी यहाँ पर एक बार और डेट देख लीजिए, देख सकते हैं 23 जनवरी। और ये देखिए कमाल, देखिएगा तो शॉक हो जाइएगा, शेयर मार्केट में क्या ऐसा भी होता है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने चार्ट को एकदम एग्जैक्ट 23 जनवरी में मैंने सेट कर दिया, ठीक है। 23 जनवरी में प्राइस कितना चल रहा था, 541 था, 542 है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, 1 रुपया का अपडाउन होगा। और देखिए मैंने क्या बोला था दोस्तों कि अगर आपने 580 या 90 में भी खरीदा है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बाउंस बैक माना स्टार्ट करेगा ना तो रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और देखिए उसके बावजूद मैंने दोस्तों जब 23 जनवरी को वीडियो अपलोड किया, उसके
के बावजूद भी स्टॉक गिर चुका है और 500 के लेवल तोड़ दिया था, 500 का लेवल तोड़ दिया था। मैंने बोला था दोस्तों स्टॉक कितना भी गिर जाए, अगर आपने हाईएस्ट में भी खरीदा है, 580 या 590 में भी खरीदा, तो नहीं बेचना है। और देखिए दोस्तों ये स्टॉक जो है मेरे जब वीडियो बनाया था 23 जनवरी, उसके बावजूद भी गिरा और गिरने तक कहाँ चला गया, 500 तक। उसके बाद देखिए इसमें जो हेवी बाउंस बैक आना स्टार्ट किया दोस्तों, 580 या 590 पहुंच गया ना, पहुंच गया ना। मैं तो बस आपको यही बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट दो तरीके से काम करता है, एक जब आपने खरीदा तब से ऊपर जाना, उसका प्राइस जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जब आपने खरीदा तो उसका प्राइस थोड़ा डाउन जाएगा, डाउन जाने के बाद फिर ऊपर जाएगा, वो क्या होता है यू शेप बना देता है। अभी देखिए आपके सामने जो है यहाँ पर वी शेप बनाया गया है। वी शेप का मतलब दोस्तों पहले जब मैंने बोला यहाँ पर कि भाई जो भी हो जाए बेचना मत, ठीक है, खरीद के ही रखना, उसके बाद फिर भी थोड़ा डाउन आया, डाउन होने के बाद फिर ऊपर गया। और कोई स्टॉक का क्या होता है, यहाँ से जब बोला तो यहाँ से ही अप मारना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे होता है काम, बहुत लोग तो ये जज करना स्टार्ट कर देते हैं, अरे भाई अपने तो यूपीएल को बोला था कि 540 पे खरीद के रखो, बेचना मत, 500 आ गया, ये कैसे डिक्रीज हो गया। तो एक दो दिन में कोई किसी को जज नहीं कर सकता। अमीरों की सोच क्या है मैं आपको बताता हूँ, अमीर क्या होता, वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, सबसे ज्यादा पैसा कमाया। वो जब भी कब स्टॉक खरीदते थे, जब भी किसी भी शेयर को खरीदते थे, तो सोचते थे उनका जो मिनिमम होल्डिंग टाइम था 15 to 20 years, 15 से 20 साल तक कम से कम तो वो अपने स्टॉक को खरीद के रखते ही थे। हमारी देखो हम गरीबों की सोच, हम 15 मिनट तक किसी स्टॉक को खरीद के रख ले, इतनी मजा ले, हमारी 2 मिनट में सेल कर दे, अरे गिरावट हो रही है भाई, निकाल निकाल निकाल, खत्म करें। तो ये होता है दोस्तों उन लोगों के साथ जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, जुआ की तरह जो है अपना दिमाग को ज्यादा से ज्यादा इसमें लगाते हैं। अब एक लाइव से भी लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरे कस्टमर हैं, यहाँ पर जो है इनको रजिस्टर किया गया, हमारे पेड सर्विस लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको डेट दिखाया जा रहा है, 5 फरवरी है, यहाँ पर देखिए 5 फरवरी को, मतलब कि 5 फरवरी से पहले हैं ये जो है हमारे यहाँ ज्वाइन हुए थे, ठीक है। तो पहला जो इनको कॉल दिया गया था दोस्तों, FL इंडिया नाम की कंपनी दी गई थी, कितने पर दिया गया था वो भी यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। ये जो कंपनी है इनको दिया गया था 1784 रुपीज़ पे, फॉर शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया था, ठीक है। शॉर्ट पर देखिए इन्होंने जो 500 क्वांटिटी इन्होंने खरीदा, 535 क्वांटिटी खरीदा, के बाद देख लीजिए। ये तो पहला हुआ दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, इसमें गलती क्या है वो देखिएगा, कस्टमर की गलती क्या है, ठीक है। अब ये भाई साहब आए हमारे पास, इनको भी मैंने जो है 4 फरवरी को ही इनको भी FL इंडिया दिया गया 1786 रुपीज़ पर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इन्होंने खरीदा 20 शेयर, ठीक है, 4 फरवरी को। अब यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये भी हमारे पास ज्वाइन हुए दोस्तों 5 फरवरी के आसपास, इनको भी जो 1800 के लेवल पर, सोचिए 1800 के लेवल था, फिर भी उनको बोला गया कि हाँ भाई आप खरीदो, ठीक है, 1800 के लेवल पर बोला गया 5 फरवरी को, डेट देख लीजिए। अब क्या होता है, अब सुसाइड तो तब करना पड़ा जब ये पता चला कि FL इंडिया, AFFLE इंडिया को मैंने बोला था कितने, यहाँ देखिए मैंने चार्ट को सेट कर रखा है दोस्तों, 5 फरवरी को मैंने ये जो है चार्ट सेट कर दिया, 5 फरवरी को। और यहाँ देखिए जो करंट मार्केट प्राइस था उस टाइम दोस्तों 1785, यही प्राइस में मैंने दिया था ना खरीदने के लिए लोगों को, दिखाया ना मैंने आपको 1785 रुपीज़ में, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, ये स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट कर दिया और ये 1600 के लेवल में चला गया था, 1600 के लेवल में चला गया था, ठीक है। अब क्या होता है, 1600 के जब लेवल में आया तो आया, कुछ लोग दोस्तों क्या किया यहां पर जो है बिना पूछे बेच दिए, ठीक है। अब बेचने के बाद क्या होता है कि ये स्टॉक क्या लिया, यू शेप मतलब थोड़ा गिरा, गिरने के बाद यहाँ आज के डेट में यहाँ पर देखिए 2000 के लेवल ये टच करने ही वाला था, 2000 का लेवल आज टच करने ही वाला था, आज के डेट में ये लेवल जो है टच करने ही वाला था। और आज के डेट में यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, तो 10% का अपर सर्किट लगा है, और सुसाइड तो तब करना पड़ा कि यहाँ पर देखिए ISL FL इंडिया 20 at the rate of 810 rupees, मतलब कि 800, यहाँ बोलना चाहते थे 1810 है, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में बताया गया। मैंने बोला नो, प्लीज़ गिव मी न्यू शेयर रिकमेंडेशन। अब ये कौन सा इंसान होता है, देखिए 1810 रुपीज़ में बताया, देखिए 1810 है, ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत मैसेज था। अब ये कौन इंसान है, अब देखिए इनको क्या हुआ कि प्रॉफिट हो रहा था तो भी ये बेयर नहीं कर पाए, लॉस हुआ तो भी नहीं। अब देखिए एक इंसान होता है जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है तो भी बेच देता है बेचारा, जब ऊपर जाने लगता है तो भी बेच देता है, क्यों, क्योंकि उसको एंट्री और एग्जिट नहीं पता रहता। अब बताइए इन्होंने स्टॉक को कितने पे बेचा, आज के ही डेट में बेचा है कितने में, 1810 रुपीज़ में गया, और स्टॉक कहां तक चला गया था, 2000 तक चला गया था, मतलब कि दोस्तों यहां पर देखिए कितना 200 का जो प्रॉफिट है इनके हाथ में नहीं आया, सोचिए। तो ये होता है दोस्तों जब भी किसी स्टॉक को बताया जाता है थोड़ा डाउन जाता है, डाउन जाने के बाद जब वो बाउंस बैक लेकर ऊपर जाता है ना, तो फिर सोचिए वहां पर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर बताया, यहां देखिए FL
इंडिया को इन्होंने जो है 500 क्वांटिटी खरीदा है, 500 क्वांटिटी खरीदा है और देखिए कितना पे 1784, अगर लाख रुपए का तो प्रॉफिट आ चुका होगा, 1 लाख रुपीज़ का तो प्रॉफिट आ चुका होगा। 500 इंटू जो है यहाँ पर आप देख लीजिए 200 पॉइंट कर दीजिए, आराम से अच्छा प्रॉफिट मिल गया। उसी तरह जो है हमारे यहाँ से डेली वीडियो अपलोड मार के बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। अब देखिए मैंने वीडियो बनाया था NTPC का, एक दिन पहले इसका दूसरे दिन ही प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था, 3-4% का रिटर्न दे दिया। तो कुछ होता है डायरेक्ट जाता है, कुछ क्या होता है थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि देखिए अगर आपके पास पेशेंस है तो पैसा बना लोगे, लेकिन पैसा से पैसा नहीं बना पाओगे। और ये मेरा जो सारा वीडियो है, आप यहाँ पर सारी वीडियोस को जो है पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं दोस्तों। शायद ही कुछ वीडियो में आपको लॉस मिला होगा, नहीं तो सारे वीडियोस में आपको प्रॉफिट है, सारे वीडियोस में आपको प्रॉफिट है। एक बार और बोलता हूँ, सारे वीडियोस में आपको प्रॉफिट है। थोड़ा भी अगर आपको डाउट है तो पेपर ट्रेडिंग कर लो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, पेशेंस है आपके पास, तब आप पैसा बना लोगे। तो ये जो नंबर है इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो, ये व्हाट्सअप का नंबर है। उसके बाद ये जो नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनको जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए इस वीडियो से, और कुछ नहीं। ठीक है।